आज का मेरा काम देखो, मम्मी ने मुझे छत पे बिठा कर गई है कि बड़ी को देखूं। क्या बड़ी यार, ये भी कोई इतना बोरिंग काम है। आज मैं छुट्टी ली थी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कि घर में रहूंगी आराम करूंगी। पर मम्मी ने देखो मेरा छुट्टी का क्या सत्यानाश किया, मुझे छत पे बिठा दिया है। बोल रही है जितनी भी बड़ी बनी है इनको बैठ के ताकते रहो कि गिलहरी कौवे चिड़ी इनको खाए ना। ये भी कोई काम है। और साथ में ये भी बोल के तबीयत खराब है तो धूप सेक लो, धूप सेकने नहीं मिलता ऑफिस जाते हो रोज, तो आज धूप में बैठो आराम करो। वाह, ये भी कोई आराम है। कभी कभी यार खुद पे हंसी आती है, मेरी एज के लोग क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, टीवी देखते हैं और क्या, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं ज़्यादातर। और मैं क्या कर रही हूँ, बड़ी ताक रही हूँ बैठ के। और अगर ये काम नहीं करती तो ऑफिस में रहती, ऑफिस का काम करती। मतलब मेरी एज के लोग यार कितना अच्छे से रहते हैं, घूमते फिरते हैं, या तो बाहर रहते हैं, या तो बाहर पढ़ाई करेंगे या जॉब भी करेंगे तो बाहर रहते हैं। अब मैं जॉब भी करती तो होम टाउन पे ही कर रही हूँ, यहाँ पे ही फैमिली में रहती हूँ। फैमिली में मम्मी पापा हैं, दीदी लोग बाहर चले गए जॉब में, भैया भी बाहर हैं, एक दीदी की शादी हो गई। अब घर में अकेले रहो, टीवी देखो, ऑफिस जाओ, और घर में हो तो ये सब करो। मस्त है ना लाइफ, कितनी कितना एंजॉय कर रही हूँ मैं। आप भी सोच रहे हो कि क्या दिखा रही है ब्लॉग में, दिखाने को कुछ है नहीं, बड़ी देख रहे हैं ये क्या है। अब ठंड चल रही है ना, इस टाइम पे यही होता है हर घर में। अगर आप फैमिली के साथ रहते तो आपको पता होगा, पापड़ बड़ी यही सब होता है घर में। इतनी तेज़ धूप लग रही है और आँख भी नहीं खुलते बन रहा अच्छे से। ब्लॉग में मेरी आँख भी आ रही है, वैसे भी मेरी आँखें बहुत छोटी छोटी हैं, पता नहीं मेरी आँखें आ भी रही होंगी कि नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ क्योंकि अभी और बिही फली थी बहुत ज़्यादा। बिही अभी तो है ही नहीं, एक भी सब खा गए बंदर। अभी बंदर भी आ सकते हैं यहाँ पे, पता है, इसलिए मैं बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा, स्वेटर पहन के बैठी हूँ मैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, दिखाती हूँ रुको। ये सब ना मेरी करतूत है, ये जितने भी मैं संतरे खाती हूँ ना, संतरे के छिलके निकाल कर रख लेती हूँ इकट्ठे करके, और यहाँ पे अभी धूप में सुखा रही हूँ। जैसे ये सूख जाएंगे ना तो गर्मी के टाइम पे ये बहुत काम आने वाले हैं। इनको सूखने के बाद मैं क्या मिक्सी में पीस के रख लूँगी इसका पाउडर बनाकर, और गर्मी के टाइम पे इसका फेस पैक लगाऊंगी। फिर देखो गर्मी के दिनों में कैसे फेस चमकता है इससे। आप भी कर सकते हो, ये जितने भी संतरे खाते हो उसके छिलके रख लो और सुखा कर पीस के रख लो, गर्मी के टाइम पे इस पाउडर में थोड़ा सा दूध या फिर दही मिलाकर फिर फेस पे लगा लो, और कुछ टाइम बाद धो दो। फेस ना बिल्कुल हीरोइनों जैसा चमकेगा इसको लगाने के बाद। इसमें बहुत सारा विटामिन सी रहता है ना, फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। फेस मास्क भी आता है, बहुत महंगा महंगा आता है तो वो तो लगा नहीं सकते, तो घर पे नेचुरल बनाओ ना यार, खा के खा भी लो फल और छिलके से बना भी लो। तब लगता है आदमी को 2-3 घंटे तक यहीं बैठना पड़ेगा। तो व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में हम। तब तक के लिए बाय बाय।